मैं रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ खतरनाक सा व्यू दिखाई दे रहा है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गाइस वो ये बात आज हम हिंदी में ब्लॉग कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ होगा मेरा हिंदी पे। ये भाई भी हिंदी जैसा भैया भैया जैसा दिखता है पर ये नहीं है। इन्होंने हमारा स्कूल से घर जाने का ब्रिज ऐसा है और ये टूट चुका है। अगर ड्राइवर आंटी लोग होता ना तो मुझको देता लिफ्ट और लड़की लोग देखते देखते रह जाता, पर क्या करूँ घर मारा हूँ क्या। सो गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। सो कोई बात नहीं, आज मैं हिंदी में ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि हिंदी में ब्लॉग बनाओ भाई, हिंदी में ब्लॉग बनाओ। तो क्या हुआ, मैं कैमरा बोक के चल दिया नहीं, माथी गांव से आ रहा था। सो यहाँ पर मैंने अच्छा बैकग्राउंड देखा पर बारिश के कारण मैं फ़ोन के बाहर छतरी के बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा आईफोन 18 प्रो मैक्स नहीं 17 प्रो मैक्स बीत जाएगा इसलिए है ना। सो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है क्योंकि यह पिछड़ी मकई फला हुआ है या क्या बोलता है हिंदी में, हाँ कोई बात नहीं, इसको मैच बोलता है इंग्लिश में है ना, मैच फला हुआ है। सो आज स्कूल भी जाना है पर बारिश बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं हम निकल जाएंगे स्कूल के लिए। तो ठीक है गाइस, हम आप घर पहुँच के रेडी होके स्कूल के लिए चल देंगे। तो गाइस फाइनली मैं घर से भी निकल चुका हूँ और क्या बोलूँ भाई साहब, रेन वैसे ही है, बारिश वैसे ही है और ज़ोर से आ रहा है पर मैं अकेले अकेले जा रहा हूँ। ठीक है तो गाइस यहाँ पर कुछ मैं रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ खतरनाक सा व्यू दिखाई दे रहा है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गाइस कुछ ऐसा है हमारा व्यू, ये सफ़ेद होता था पर ये क्या बोल दूँ, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण काला पड़ चुका है और बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। सो गाइस स्टूडेंट मुझको एक भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। गाइस मैं चलते चलते बहुत दूर आ चुका हूँ और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर मैं हिंदी में ब्लॉग भी कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या बोलूँ हो रहा है, मुश्किल नहीं हो रहा है, क्या बोलूँ हो रहा है ना। सो अगर मैं लड़की होता तो कब का लिफ्ट मिल चुका होता मुझको क्योंकि ड्राइवर लोग बहुत साढ़ू होता है ना, वो सिर्फ लड़की को ही लिफ्ट देता है, लड़के को तो इंसान जैसा भी नहीं करता है। अगर और यहाँ पर बात पर ट्विस्ट है, अगर ड्राइवर आंटी लोग होता ना तो मुझको देता लिफ्ट और लड़की लोग देखते देखते रह जाता, पर क्या करूँ घर मारा हूँ क्या, पर क्या करूँ गाइस ऐसा ही है। दोनों पैर पे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाइस आज से फाइनली सेकेंड डे, यानी कि मैं अभी तक आपने जो भी क्लिप देखा वो फ्राइडे का था, ये जो आप लोग क्लिप देख रहा है ना ये आज सैटरडे का है। सो आज मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं कॉलेज लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, KLG कॉलेज। सो यहाँ पर बहुत बढ़िया हरी भरी ना, सो आप लोग को व्यू देखा बेटा तूने, नाइस गया आप, तुम्हारा कैसा गया भाई? तो गांड के लिए गांड को ले दी गया। सो इसने फाइनली एग्जाम बिगाड़ दिया है और इसने तो भाई साहब इसने तो बवाल कर दिया। साइंस का था पर हमने भी साइंस का एग्ज़ाम किया था एक साल पहले पर हमारा रिएक्शन कुछ इतना अच्छा नहीं था, गांड को लेती था यार। सो गाइस फाइनली दोस्त लोग भी घर चला गया और मैं भी घर जा रहा हूँ। सो हमारा रास्ता कुछ ऐसा बनाए है ना, बहुत एडवेंचर टाइप का है इस रास्ता भी है, गाड़ गुलेती है, मैं तो गाड़ गुलेती बोलता हूँ, सो आप लोग क्या बोलते पता नहीं। सो यहाँ पर एक ब्रिज है हमारा जो टूट चुका है लगभग, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्या इस तरफ है क्या। सो गाइस फाइनली हमारा स्कूल से घर जाने का ब्रिज ऐसा है और ये टूट चुका है, यहाँ पर अगर हमने पैर रख दिया तो नीचे गिर जाएंगे। सो पहला मेन रोड पर जाएंगे, जा सिर्फ इस लकड़ी की मदद से हम उस पार जाएंगे, ठीक है
ऑफिशियल गए तो गांड को लेती हो जाएगा। सो हम फाइनली क्रॉस कर दिया। सो गाइस ये टूट चुका है। सो गाइस कुछ ऐसा है। सो भाई गाइस सो गाइस कुछ कोई बात नहीं, हम चला जाएंगे घर। सो कल परसों आके बना देंगे हमारा गांव गांव का लुक। ज़्यादा बारिश के कारण ऐसा हो गया है। सो गाइस कीप वाचिंग। अब सीधा मैं घर पहुँचने के बाद कैमरा ऑन करूँगा। कीप वाचिंग गाइस। सो गाइस एनीवे फाइनली मैं घर भी पहुँच गया, और पहुँचने के बाद मैंने घर में बहुत ज़्यादा काम किया और मैं थक चुका हूँ। मैं वैसा वैसा काम नहीं, मैंने एकदम हार्ड वर्किंग किया है। वो घर का ही काम होता है ना, वो मैंने कर दिया है ना। सो मैं थक गया और अभी शाम का टाइम है, 7:30 बज चुका है। सो अब मैं भी तो सीडियो एडिट करके सो जाऊँगा और कल सुबह उठ के अपलोड कर दूँगा। सो आप लोग ज़रूर फीडबैक देना कि मेरा हिंदी में ब्लॉग कैसा गया है, अमित ऑफिशियल हिंदी ब्लॉग कैसा गया। सो आप लोग कमेंट कर देना। सो ठीक है गाइस, आज का वीडियो इधर ही व्यवस्था हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए या नेपाली में चाहिए? अगर आप फुर्सत है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं करेंगे भी तब भी चलेगा, मैं खुद ही मैनेज करके कर दूंगा ब्लॉग। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। See you in my next vlog.